सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके में झमाझम बारिश के चलते पूरा इकोना पानी पानी हो गया। इकोना कस्बे की अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों के घरों दुकानों में भी पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ गईं। इकोना इलाके के अधिकांश मोहल्ले इस समय पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। इकोना कस्बे का जो मुख्य मार्ग है, सड़क है, उस पर घुटनों तक पानी भरा रहा, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इकोना कस्बे के साथ साथ इकोना बस स्टॉप, डाक बंगला, इकोना सरकारी अस्पताल आदि स्थानों पर भी भारी जलभराव के चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। वहीं इकोना इलाके के विभिन्न मोहल्लों में रहने वाले मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि निचला स्तर होने के कारण काफ़ी जलभराव हो गया है और जलभराव की उचित निकास व्यवस्था न होने के चलते लोगों के दुकान व घरों में भी पानी घुस गया, जिसके चलते लोग और परेशान हो उठे। लोगों ने बताया कि ऐसी बारिश और ऐसा जलभराव इकोना कस्बे में कभी कभार ही होता था, लेकिन इस बार की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और देखते ही देखते पूरा कस्बा जलभराव की समस्या से ग्रसित होकर कराह रहा है। इकोना कस्बे के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें सबसे तेज खबर साउथी चैनल पर हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार इकोना इलाके में अलग अलग हिस्सों पर पानी भरा हुआ है, जिससे पूरा इकोना पानी पानी हो रहा है। का तैर रहा भैया? कोरोना तो ठीक हो गया है, उनके घर के हुआ तो सही जब है, बिल्कुल बाढ़ आई गया है, बिल्कुल बाढ़ आई गया है। हम समझे का थी, बिल्कुल बाढ़ आई गया है। हाँ, हम कहने बाढ़ आई गया है, देखो बाढ़ आई गया, लेकिन कोई बाढ़ है अकाउंट में पता नहीं कि कहूँ लहास बहते चली गई है। चली गई, अबे दिखाई थे नेटा पहा हुई। अस्पताल तालाब में परिवर्तित हो गया है। जल्दी आओ खाएंगे। What?